नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय रूफटॉप गार्डन। अगर आप मेरे चैनल को नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेल मी वाई के इस एपिसोड में। इस एपिसोड में हम नेचर के बारे में, पौधों के बारे में, गार्डनिंग के बारे में कुछ ऐसी रोचक पांच चीज़ें सुनेंगे जिसके बारे में शायद से आपको पता ना हो। पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से अपना खाना बनाते हैं। उसके लिए उनको सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती है। उसका कलर ग्रीन होता है और इसी क्लोरोफिल के वजह से वो हरे दिखते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आड़ू, अरबी, तारों के लीव्स पे पानी जमा क्यों नहीं होता है? तो उसका रीजन ये है कि उसके पत्ते के ऊपर वैक्स का एक आवरण रहता है, एक लेयर रहता है, जो कि पानी को उसके अंदर जाने नहीं देता। ये इस पौधे की रक्षा करता है उस एरिया में जिस एरिया में बहुत ज़्यादा पानी है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा पानी वाले एरिया में अड़ू या अरबी या तारो बहुत अच्छी तरह से फल फूल लेते हैं। क्या आपने कभी पपीते के पत्तों को ऐसे अजीबोगरीब आकार में उगते हुए देखा है? ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से है। ये येलो मोजैक वायरस करके वायरस रहता है जिसके वजह से ये ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है। इसके वजह से पूरे पौधे का ग्रोथ कम हो जाता है और आखिरकार अगर टाइम पे इसको दवाई ना दी जाए तो ये मर जाता है। फैक्ट दो, टमाटर के पौधे को अल्कलाइन सॉइल पसंद है। उसको टमाटर बनाने के लिए पोटेशियम की भी बहुत आवश्यकता रहती है। उड़श में पोटेशियम की भरमार रहती है, लेकिन इससे मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है, इसलिए इसे टमाटर को कभी भी मत डालना। फैक्ट एक, क्या आप जानते हैं दुनिया में 200 तरह के जासवंद या हिबिस्कस के प्रजातियां हैं? तो चलो इन्हें अपने बगीचे में लगाकर अपने बगीचे को रंग बिरंगी रंगाते हैं। चलो पौधे लगाकर पर्यावरण को बचाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी ही रोचक बातें नेचर के बारे में और पौधों के बारे में जाननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक हैप्पी गार्डनिंग।